जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह ब्लॉग्स। की हाल चाल सारे का। दोस्तों, कुछ दिन पहला मैं एक वीडियो पोस्ट की सी, जिस विच देहधारी गुरु बारे दस्या गया सी। कुछ दोस्त अपने सहमत सी मेरे नाल, कुछ दोस्त नहीं सी। मैं दसना चाहता कि जो दोस्त अपने नाल सहमत नहीं सी, वो मेरे ख्याल नाल सिर्फ ता सहमत नहीं होने, क्योंकि उस वीडियो विच मैं ये कहा सीगा कि इस बार मैं तुक्कां बारे नहीं दसूंगा। मतलब मैं उस वीडियो विच गुरबाणी नहीं दसी सी। होर कुछ महीने पहला मैं एक वीडियो सेम इदां दी पोस्ट कीती सी, उस विच मैं गुरबाणी नाल हाजिर होया सी। गुरबाणी दे आधार दे उत्ते गल्लां दसियां सीगियां, ते उह गुरबाणी तुहाडे मूहरे रखी सी, तां करके उस जो पुरानी वीडियो आ उस विच किसे दा वी गलत कमेंट नहीं आया सी। कहण दा मतलब सारे सहमत सी मेरे नाल, किसे बंदे ने सवाल चक्या नहीं सीगा उस वीडियो विच। लेकिन अज दी जो वीडियो आ, इस उत्ते आपां गल करांगे देहधारी गुरु बारे। देहधारी गुरु दी की लोड़ आ, सानू की जरूरत आ, ते सब तो मेन गल, सारियां गल्लां ज हर बार दी तरह गुरबाणी दे आधार ते होणगियां, ते गुरबाणी दे आधार ते जो गुरबाणी आ उह तुहाडे सामने रखी जाऊगी, तां जो किसे दा कोई सवाल ना होवे, जां कोई जां सारे सहमत होण, कोई असहमत ना होवे। दोस्तों, मेरी ये वीडियो किसी एक रिलीजन बारे नहीं हैगी, ये इंसाना वास्ते है। हुण इंसाना विच सारे आ जांदे आ, ते जिवें बाबा नानक जी ने कहा सी, उपदेश चौं वर्णों को सांझा। उन्हां दा मैसेज कुल कायनात वास्ते सी, ते मैं कौन हाँ, मैं भी इंसान हाँ, सिख हिंदू ईसाई मुसलमान बाद साडे गुरुआं दे हिसाब दे नाल। ते दोस्तों हाँ, स्पेशली जो सिख वीर हैगे ने, सिख दोस्त, उन्हां नूं ये वीडियो, उन्हां नूं भी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए है, ते विचार करना चाहिए। ते दोस्तों, सब तो जरूरी गल की है कि जो भी मैं कहन जा रहा वा, ये गुरबाणी दे आधार ते कहूँगा, अपने वल्लों कुछ नहीं कहूँगा। तो करके कृपा करके कोई अपनी होमे दे कारण, ईगो दे कारण ये ना कहे कि तू कौन हुंदा सानूं समझाने वाला है ना। जद तुहाडे सामने गुरबाणियां रखी जा रही ने, हुण मैनूं तां तुसीं कह सकते हो जे मैं कहूँगा कुछ, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब दे अगे साडे गुरुआं दी बाणी दे अगे तुसीं कुछ नहीं बोल सकते। मतलब तुसीं, मतलब जो मेरी गल तो सहमत नहीं होगा, मैं उहदी गल कर रहा वा। काफ़ी दोस्त सहमत भी सीगे, उन्होंने मैनू मैसेज भी कमेंट भी किए काफ़ी, तो कुछ ने मैसेज भी किया। दोस्तों, इस गल नूं मैं सब तो पहला क्लीयर करना चाहूँगा कि जो देखो जिहड़ी खोज है ना, खोज मेहनत नाल हुंदी है, शौक नाल हुंदी है, ते उह किहने कीती। हुण इस गल उत्ते मैं आना कि गुरु मान्यो ग्रंथ जो आपां बचपन तो सुनते आ रहे हैं, किन्ना तो आपां ने किसे होर तो सुन लिया, उन्हें किसे होर तो सुनिया, बचपन तो आही चल रहा। वो जो गुरु मान्यो ग्रंथ जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा भी नहीं, वो किन्ना ने कहा वा, ये मैं तुहानू इस वीडियो अगे दसूँगा। सिर्फ वो एक तुक की वजह नाल जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने फरमाई भी नहीं हैगी, उहदी वजह नाल आपां सारी गुरु ग्रंथ साहब, पूरी गुरु ग्रंथ साहब आप इग्नोर कर रहे हैं। पहले पातशाह जी नूं, दूजे पातशाह जी नूं, तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी नूं, पांचवें पातशाह जी नूं, जिन्हां ने गुरु भगती उत्ते, देहधारी गुरु उत्ते, सतगुरु उत्ते बहुत जोर दिता। जद गुरु ग्रंथ साहब का भी निर्माण नहीं होया सी, गुरु ग्रंथ साहब बनन तो पहला ही गुरु का उपदेश सीगा ते नाम का। इस वीडियो अगे देखियो, गुरु ग्रंथ साहब विच जिन्हें भी होर धर्मां दे संत महात्मा दीयां बाणियां आईयां ने, हिंदू ते मुसलमान धर्म दे संत महात्मा, उन्हां ने भी नाम दा उपदेश दिता वा ते गुरु भगती उत्ते बहुत जोर दिता वा। हुण गल करदे हां सब तो पहला गुरु मान्यो ग्रंथ, ये पंक्ति, ये बाणी किने लिखी है। तां दोस्तों, इस पंक्ति की रचना भाई प्रहलाद सिंह जी ने कीती सी, ते उस तों किन्ने ही सालां बाद भाई ज्ञान सिंह जी ने इहनू एडिट किया, कह सकदे हो जां पूरा किया। ना ही ये पंक्ति गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, ते जो गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना वा, ना ही ये उहदे विच दर्ज है। वधेरे जानकारी लई मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पा दूंगा, वो पूरी वीडियो तुसीं देख सकते हो। तां ये तां हैगा पहला प्रूफ तुहाडे सामने आ, ते होर भी गुरु प्रेमियां ने आही पंक्ति नूं अपने अपने ढंग नाल लिखिया वा, लेकिन साडे गुरुआं ने यह कदे नहीं लिखिया, ना ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखिया। मैं अज तक जिहड़े भी सिख वीर नूं पुछिया, जिन्हां ने मेरे तो सवाल किया, उन्होंने आही कहा कि यह गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा, उन्होंने पता ही नहीं सी कि ये रचना की दी है।
सैकिंड पॉइंट, तां हुण की लिखिया गया वा गुरु ग्रंथ साहिब विच ओह तुहाडे सामने रखन लग्या जो कि सब तो वड्डे प्रूफ ने। हुण मैं आ जाना शब्द गुरु ते, तां इत्थे गुरु अर्जन देव जी समझा रहे हन, अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी। सब तो आसान भाषा हैगी है जो गुरमुखी लैंग्वेज आ, समझनी ज़्यादा औखी नहीं हैगी। अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी, तुसी समझ सकते हो। फिर अगे गुरु अमरदास जी कहिंदे हन, सतगुरु हथ कुंजी होरत दर खुले नाहीं गुर पूरे भाग मिला बणिया। सतगुरु हथ कुंजी ते गुरु अमरदास जी दे टाइम गुरु ग्रंथ साहिब दी रचना नहीं हुई सी। अगे सुनो, जिसका ग्रह तिन दिया ताला कुंजी गुर सौंपाई, अनेक उपाओ करे नहीं पावै बिन सतगुरु सरनाई। किन्ने आसान लफ्ज़ां विच, सब तो आसान भाषा दोस्तों ये सारे समझ सकते हैं। जिस परमात्मा ने सानू पैदा किया है उन्हें साडे लई नाम की दौलत साडे अंदर रखी है, ते उहदा भेत संतां दे हवाले कर दिता है, तां उहनू पाउण वास्ते सानू संतां दी संगति करनी पैंदी है। हुण एक होर तुक विच गुरु अमरदास जी की लिखते हैं, बिन गुरदाते कोई ना पाए लख कोट जे करम कमाए। अगे कहिंदे हन, सतगुरु सेवे सदा सुख पाए सतगुरु अलख दिता लखाई। हुण तां जिहड़े सियाणे आ उह आप समझ लैण, जे असीं लखां करोड़ां करम भी कर लईए ना जो मर्जी जतन बिना गुरु तों, तां वी आपां उस परमात्मा नूं पा नहीं सकदे। हुण पंजवें पातशाही की फरमाउंदे हन, कहू नानक प्रभ इह जनाई बिन गुर मुक्त न पाईए भाई, मत को भरम बोले संसार गुर बिन कोई न उतरस पार। देखो किन्नी वडियाई कीती गई है गुरु दी। महात्मा सतगुरु दी संगत ते सोबत ते बहुत जोर दिंदे हन कि उन्हां तों बगैर साडा मुक्ति प्राप्त करन दा कोई सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। गुरु अर्जन देव जी फिर कहिंदे हन, सासत वेद सिमरत सब सोदे सब एका बात पुकारी, बिन गुर मुकत न कोऊ पावै मन वेख कर विचारी। हुण गुरु अमरदास जी फिर कहिंदे हन, बिन सतगुर को नाओ ना पाए प्रभ ऐसी बणत बनाई है, कि गुरु तो बगैर कोई नाम नहीं पा सकदा। प्रभ ऐसी बणत बनाई है कि ए उस एक परमात्मा दा, उस एक अकाल पुरख दा नियम है, ए उहदा कुदरती कानून है कि गुरु तो बगैर कोई नाम नहीं पा सकदा। ए मुक्ति दी चाबी, ओ दरवाजे दी चाबी उन्हें सतगुरां को रखी है, जिवें आपां अगे गुरबाणी च पढ़िया। हुण दोस्तों आपां आ जांदे हां कबीर साहब दे उत्ते। कबीर साहब जी फरमाउंदे हन, कबीर गुर की भगती बिन नार कूकरी होए, गली गली घूमत फिरे टूक न डाले कोई। कबीर गुर की भगती बिन राजा गदा होए, माटी लद्दे कुम्हार की घास न डारे कोई। फिर अगे बहुत सुंदर गल फरमाउंदे हन, गुरबिन माला फेरते गुरबिन करते दान, गुरबिन सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। कि गुरु बिना आपां जो कुछ भी पुन्नदान करते हैं या ग्रंथां पोथियां पढ़ते हैं, जो भी पाठ पूजा, ये सब बेकार। हुण पहले पातशाह ही गुरु नानक देव जी कहिंदे हन, बिन गुर साकत कहू को तरिया होमें करता भवजल परिया, बिन गुर पार ना पावे कोई हर जपिए पार उतारा है। कि गुरु तो बिना कोई भी इस भवसागर तो पार नहीं हो सकता। हुण गुरु रामदास जी फरमाते हैं, जिन्ना सतगुरु पुरख ना भेटियो से भागहीन वसकाल, ओ फिर जोन भवाई विच विष्टा कर विकराल। जिन्हां नूं पूरा सतगुरु नहीं मिलिया ओ बड़े भागहीन हन, ओ हमेशा काल दे मातहत यां अधीन रहिंदे हन, उन्हां नूं बार बार जन्म मरण दे दुखां विच आउणा पैंदा है, इत्थों तक कि उन्हां नूं अंत विच गंदगी दे कीड़े बन के आउणा पैंदा है। जो पूरे सतगुरु की खोज नहीं करते, ओ शब्द या नाम दे नाल कदे नहीं जुड़ सकते। ओ अपने कर्मां दे अनुसार इस 84 लख दे जेलखाने विच दुख ते मुसीबतां भुगतदे हन। असल विच ओ दुनिया च आके भी जिउंदे होए भी एक मुरदे दे समान रहिंदे हन। दोस्तों हुण बुल्ले शाह भी एक संत होए ने, इन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच नहीं आई, लेकिन इन्हां ने भी गुरु भगती उत्ते बहुत जोर दिता। फरमाउंदे हन, बिन मुरशद कामिल बुल्लिया तेरी ऐवें गई इबादत कीती। संतां महात्मा ने साडे अंदर घोल के कुछ नहीं पाउणा, ओ दौलत साडे अंदर ही है, साडे लई ही परमात्मा ने रखी है और अंदरों ही मिलूगी। संत तां सानू सिर्फ युक्ति और साधन समझाउंदे हन, जिवें विद्या दी ताकत हरेक मनुष्य दे अंदर है जन्म तो ही, लेकिन सुती हुई है। जद आपां स्कूल कॉलेजां विच जांदे हाँ
ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਈ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਾਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ BA MA ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਸੁੱਤੀ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਘੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਘਿਓ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਘਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਰਮੇ ਘਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ, ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨਕਾਰ ਧੁਨ ਤਹਿ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਘਰ ਮੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਲਾਵੇ ਧੁਨ ਸ਼ਬਦ ਪਾਂਚ ਬਤਲਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੂ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉੱਠੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਫਿਰ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਉਸ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਲਈਏ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸਲ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਚੌਂ ਜੁਗੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਚਾਰਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰਚੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜਣਾ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਏਕ ਨਾਮ ਯੁਗ ਚਾਰ ਉਧਾਰੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਵਰਤੈ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ, ਕਿ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਕੋ ਤਾਂ ਨਾਮ ਅਨਾਮ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਮੇ ਨਾਹੀ ਨਿਹ ਅਕਸ਼ਰ ਕਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਿਹ ਅਕਸ਼ਰ ਕਾਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, 52 ਅੱਖਰ ਲੋਕ ਤਰੈ ਸਭ ਕੇ ਚਿੰਨ ਮਾਹੀ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਨ ਜਾਏਂਗੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਨਵੇਂ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਟ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਤਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਦਿ ਨਾਮ ਜੋ ਗੁਪਤ ਜਾਪੇ ਬੂਝੇ ਵਿਰਲਾ ਕੋਏ। ਆਦਿ ਨਾਮ ਜੋ ਗੁਪਤ ਜਪ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ
आप कहते हैं तां ते मुकत ना होए, आद नाम जो गुप्त जप, ओ नाम जो गुप्त जपया जाता है, बूझे विरला कोई। बड़े अफसोस के नाल कहना पैंदा है बूझे विरला कोई, क्योंकि असी तां बाहरमुखी साधना विच फसे हुए हाँ। एक होर बहुत सुंदर तोका, आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन, साध संग प्राप्ते नानक रंग मनन। जे ओदी प्राप्ति आपा खुद कर सकते तां फिर ओदे विछोड़े विच आपा क्यों रोंदे फिरदे हाँ, उनू कित्थों लभदे फिरदे हाँ। ओ गुरमुखां दी संगत विच जाके ओ समझाउंदे हन, ओ कोई अपनी भगती कराउण वास्ते नहीं आए, साडे तो मत्थे टकाउण वास्ते नहीं आए, ओ सानू समझाउण वास्ते आए हन, और ओ सानू उस नाम दे रंग विच रंगदे हन। ओदी कमाई करांगे तां सोझी आऊगी, तां पहचान आऊगी, तां ताकत मिलूगी कि आपां इन्हां सब चीज़ां नू नभा सकीए। हुण दोस्तों आखिरी कुछ चंद तुकां फरमा के मैं वीडियो क्लोज़ करन लग्या। गुरु अमरदास जी फरमाउंदे हन, हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु ना जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। कि गुरु ही उस नाम की कमाई करा सकता। एक होर बाणी विच आ फरमाउंदे हन, नामे ही ते सब कुछ होया, बिन सतगुरु नाम ना जापे। कि नाम सब कुछ है और बिना गुरु तो ओदी कमाई नहीं हो सकती, बिन सतगुरु नाम ना जापे। अगे कहंदे हन, गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध ना जापे। एक बार फिर उसनू गुर का शब्द कह के बयान कर रहे हैं, महारस मीठा। जिन्हें भी पदार्थ हैं, जो भी सुख हैं इस दुनिया में, सब तो ज़्यादा मीठा कह के बयान करते हैं, बिन चाखे साध ना जापे। जब तक उन्हें चखते नहीं उसकी मिठास का नहीं पता लगता। दोस्तों कुछ दिन पहला मैं कितने गया सी, उत्थे दो प्रोफेसर आए हुए सी, उन्होंने बाबा नानक नू बहुत पढ़िया होया सी। उन्होंने एक बहुत वधिया गल कही सी कि असी अपने जो पुराने महापुरख संत हुंदे आ, साडे पुरातन संत, उन्हां उत्ते आपां बहुत माण महसूस करदे आ कि जी असी तां उन्हां दे वारिस हुंदे आ, फलाणा धिमका ओह हुंदे आ ओह हुंदे आ। लेकिन असी ये देखिए कि आपां ने की कीता, की आपां उन्हां दे हुक्म च चले, की आपां उन्हां दे हुक्म च हैगे आ, की आपां ने उन्हां दे उपदेश दे उत्ते ध्यान दिता, समझिया, अमल किया, ये देखना आपां ने। हुण जिवें आपां कोई भी धर्म स्थान ते जाने आ, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन अक्सर वीडियोस आउंदियां ने वायरल हुंदियां कि उत्थे डीजे बजा के जाते हैं, इन्नी हुल्लड़बाजी करते हैं। कुछ वीडियोज़ वायरल भी हुई सी कि उत्थे ईवन किसी नू मार भी दिता गया सी। हुण सारयां नू खबर याद आ गई होनी है, तां ये सब हो रहा सिर्फ साडी ना समझी करके। तो वह भी वीडियोज़ तुसी देखियां होणगियां जिस विच एक रिपोर्टर कई लोगों नू पुछ रहा वा इतिहास बारे, तो उन्होंने अपने गुरुआं का इतिहास तक नहीं पता, तो ट्रैक्टरां उत्ते डीजे ला के उच्ची उच्ची आवाज़ करके हुल्लड़बाजी करते हुए जाते हैं, तो की फायदा इन्ना सब का। तो यह बड़े अफसोस की गल है, बिना मतलब तो शो ऑफ करना, कमांड करना। असी यह नहीं देखते कि असी खुद की किया, असी खुद उन्हों तो की सीखिया, जो परेशानियाँ इन्ना स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ में किया सी, की आपने किया। उन्होंने तो बहुत कुर्बानियां दित्तियां सी, ते आपां उन्हों का उपदेश ही भुल के बैठ गए, इतिहास ही भुल गए। तो यह बहुत शर्म वाली गल है। उन्होंने ये गल शॉर्ट विच कही सी, लेकिन मैं पूरी कहती है। तो दूजी गल उन्होंने जो कही सी, वो सी कि बाबा नानक का जो फलसफा सी वो इंसानियत का सी, ह्यूमैनिटी का, पर आपां ने की किया, आपां ने अपने आप नू वंड लिया, ये धर्मां विच, मज़हबां विच, मुल्कां विच, कौमां विच, जातां विच, ये इंसान अपने मन दे मगर लगता। देखो आपां ने जे किसी नू भी जानना वा, तां उन्हां दी जो टीचिंग सीगियां, जिवें बाबा नानक दी जो टीचिंग सी, वो जो लिख के गए ने साडे वास्ते, वो सानू समझनियां पैणगियां, फिर ही आपां उन्हां नू समझ सकदे हां। ते दोस्तों हुण गुरु रामदास जी फरमाउंदे हन, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। सतगुरु शब्द है और शब्द ही सतगुरु है, उस शब्द के अंदर ही असली अमृत है। सतगुरु अपने सेवकों को हमेशा उस शब्द की ओर ही प्रेरित करते हैं, शिष्य उन्होंने उपदेश से चल के अपने ख्याल नू शब्द के नाल जोड़ता है, लेकिन मुक्ति केवल देहधारी गुरु ही दे सकता है। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। दोस्तों उदाहरण तो होर भी बहुत ने गुरबाणी दियां तुकां, लेकिन वीडियो बहुत वड्डी हो जानी है। हुण आपां गल करदे हां ध्यान दे उत्ते, ध्यान आपां किस चीज़ का,
किस चीज़ का कर सकते हैं, ध्यान धरना। तो जिहड़े दोस्त यह कहिंदे ने कि देहधारी गुरु की कोई लोड़ नहीं, उन्हां वास्ते एक होर तुक ध्यान उत्ते कि आपां ध्यान भी तो धरना वा, ध्यान तो आपां उहदा ही धर सकते हैं जो साडे च मौजूद होवे। हुण इत्थे गुरु अर्जन देव जी कहिंदे हन, गुर की मूरत मन मह ध्यान, अकाल मूरत है साध संतन की, ठाहर नीकी ध्यान को। अर्थात कि सतगुरु दे ध्यान नूं हमेशा मन विच रखो। यही स्वामी जी महाराज फरमाउंदे हन, गुर का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। ते दोस्तों ध्यान उत्ते भी बहुत तुकां फरमाईयां गईयां ने, कबीर साहब ने भी बहुत खोल के फरमाया वा। इत्थे गुरु साहब दी एक होर तुक आ, ज्ञान ध्यान धुन जानीए अकत कहावे सोई। इस विच भी आपने ध्यान दा जिक्र किया। एक तां हुंदा ज्ञान, एक हुंदी है सोझी। ज्ञान वह जो सानू ग्रंथां पोथियां विचों हासिल हुंदा है, लेकिन एक सोझी हुंदी है, वह एक्सपीरियंस हुंदा, आंतरिक अनुभव, इनर एक्सपीरियंस। पंजवें पातशाह ही एक होर जगह फरमाते हैं, कलयुग मह कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। हुण ये जो कीर्तन है, ये कोई बाहरला कीर्तन नहीं, ये अंदरला कीर्तन है। ओ शब्द धुन, ओ शब्द गुरु, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। असल गुरु वो शब्द है, लेकिन शुरुआत शरीर तो होगी, क्योंकि इस वक्त जो अवस्था है वह ये शरीरिक अवस्था है। जिमें पहला बेनती की गई वीडियो की शुरुआत विच कि इत्थे देहधारी गुरु की की लोड़ है, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। तो सिमरन और ध्यान, ये सोझी सानू सिर्फ गुरमुखा तो ही मिल सकती है। जे हुण भी कुछ दोस्त सिर्फ अपनी होमे दे कारण ये कहणगे कि मैं बाणी नू मिस इंटरप्रेट कर रहा वा, तो वह आप एक्सप्लेन कर देन भरावा। तो सब तो वड्डी गल वो ये देखन, जिमें मैं पहला बेनती की सी कि गुरु ग्रंथ साहब की रचना तो पहला ही साढ़े गुरुआं ने अपनी गुरबाणी विच गुरु की महिमा की है। तो साढ़े सारे गुरु देहधारी सी, ते जिन्ने भी संत महात्मा आए ने वो भी देहधारी सी। तां अजे भी जे कोई दोस्त मनन नूं नहीं तैयार होगा गुरबाणी सुन के भी, तो फिर वो किस्मत नहीं, वो अन्ने भाग नहीं कि वह गुरु नूं मिल सके, उन्हूं सोझी आ सके। सिर्फ बाहरी ज्ञान आ सकता, किताबी ज्ञान, पर अंतरमुख सोझी नहीं आ सकती। अंतर अलखना जाई लग्या विच पड़दा होमे पाई। उस मालिक ते साढ़े दरम्यान अहंकार की दीवार आ, ईगो की दीवार आ, होमे की मैं मेरी की दीवार आ, ता ही आपां उस तों दूर होए बैठे हाँ। हुण दोस्तों मेरी की सोच आ, मेरा की मनना वा। तो मैं पहले पातशाही जी की बाणी नूं मानदा वा, गुरु अमरदास जी की बाणी नूं मानदा वा, गुरु रामदास जी की बाणी नूं, ते गुरु अर्जन देव जी की बाणी नूं, ते अपने जिन्ने भी सिख गुरु होए ने उन्हां नूं, ते होर धर्मां दे जो संत महात्मा की बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच आई है उन्हां नूं मानदा, क्योंकि उन्हां दा उपदेश इक्को ही है। ते सब तो वड्डी गल ओह साडे सामने आ, जिहदा 100% कन्फर्म्ड आ कि ये बाणी इन्हां इन्हां गुरुआं ने लिखी है जो तुसीं सुन चुके हो। तो मैं ये गुरबाणी नूं इग्नोर नहीं कर सकता, इन्हां दा फरमान आ कि पूरा गुरु लभना तो लभना, डैट्स इट। बाकी होर कोई दोस्त या लोग किहड़ी पंक्ति नूं मनदे आ या नहीं मनदे, ये उन्हां दी अपनी सोच आ, अपनी समझ आ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ। हुण दोस्तों पूरी वीडियो विच गुरु ग्रंथ साहब दा उपदेश तुहाडे सामने रखिया गया वा, मैं अपने वल्लों कुछ नहीं कहा। हुण तुसीं इस उत्ते की सोचदे हो, तुहाडे की विचार ने, ये गुरबाणी सुन के ये तुहानूं बेहतर पता होना, तुसीं सियाणे हो। देखो गुरबाणी दी सानूं मननी पैणी है हुण, ते जिवें पहलां बेनती कीती गई गुरु नानक साहब ते होर जिन्ने भी गुरु सी, इन्हां दा फलसफा इंसानियत दा सी, इन्हां ने कोई नवां धर्म नहीं सी बनाया। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਧਰਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਵ ਧਰਮ ਮੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਿਓਂ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲੱਭੋ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਓਵਰਆਲ ਐਟ ਲਾਸਟ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੈਡ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁੱਡ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 100-200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਫੇਕ ਵੀ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹਉਮੈ ਪਾਈ, ਅੰਤਰ ਅਲੱਖਣਾ ਜਾਈ ਲੱਗਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹਉਮੈ ਪਾਈ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ 4-5 ਘੰਟੇ, 6-6 ਘੰਟੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਕੋ ਸੌਂਪੀ। ਕੀ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਮਰ, 70 ਸਾਲ, 80 ਸਾਲ ਜਾਂ 40 ਸਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਵੀਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਔਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਿਹੜੇ ਖੜੀ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਮਲ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ। ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਮਲ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੇਹ ਸਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਆ, ਜੋ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਛ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।